सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। सब वही पंजा पे ऐसे हाथ पकड़ के हमारे ऐसे बटन दबवा दे जबरदस्ती। हाँ हाथ पकड़ के इसे बटन कहा था अपने आप पंजा पर धाई थे हम धरे जात रहे पर कमल पर। हाँ। तो पंजा पर धाई थे। अच्छा अच्छा गलत बात तो माना करे माने नहीं 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 तो जबरदस्ती बताओ ताई ऐसे पकड़ के हाथ बटन अपने हाथ दबा दे अंगूठा मार दे। अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बूथ कैप्चरिंग का गंभीर आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि यहां पर पीठासीन अधिकारी कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं और भाजपा का वोट भी कांग्रेस को डलवा रहे हैं। अमेठी में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। यहां गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बूथ संख्या 316 गुजर टोला पर तैनात पीठासीन अधिकारी पर एक महिला ने जबरन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने का आरोप लगाया है। इस वीडियो को भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया है और शेयर करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर बूथ कैप्चरिंग कराने का आरोप लगाया है और उन्होंने आयोग से भी इस मामले की शिकायत की है। मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने तत्कालीन पीठासीन अधिकारी को हटा दिया है। बूथ पर वोट डालने पहुंची महिला ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया है कि वह भाजपा के कमल निशान पर वोट देना चाहती थी, जबकि पीठासीन अधिकारी ने उनका हाथ पकड़कर उससे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे की बटन दबा दी।